हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर सेकेंड 11th स्टैंडर्ड का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पलर सीरीज़ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। और ज़्यादा देखिए एग्जाम्पलर जो 11th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें लगभग 13 या 15 से ज़्यादा 16 मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हैं हर चैप्टर्स में, तो उसको डील करिए और थोड़ा आपको कंसेप्चुअल बेसिस चैप्टर की नॉलेज होगी, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद ही लगाइएगा आप पूरा चैप्टर कम्प्लीटली। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस चीज़ के लिए बिलोंग करते हैं। यूकैरियोटिक है देखिए और यूनिसेलुलर है, तो ये प्रोटिस्टन होंगे, बी इज करेक्ट। अगर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता तो मोनरा होता, तो इसका बी सही है। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो पाँच किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर, ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सॉल्टी एरिया, जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज में रहते हैं याद रखिएगा, तो आपको बताना है उनको वो क्या कहलाते हैं, थर्मो, देखिए सॉल्टी एरियाज, तो सॉल्टी एरिया में जो होते हैं हेलोफिल्स कहलाते हैं, हेलो मीन सॉल्ट, फिल मीन्स लविंग, तो ये सॉल्ट लविंग, तो बी इज़ करेक्ट। तो ये हेलोफिल्स हो गए, बी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि सॉल्टी हेलोफिल्स, हेलो हेलो फैमिली, तो हेलोफिल्स कहलाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक भी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी है, नेकेड है, तो दिस इज़ अ स्लिम मोल्ड, याद रखिए ये फंगस नहीं आएगा, फंगस की जो साइटोप्लाज्म वो नेकेड नहीं होती, डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, एन एसोसिएशन बिटवीन, बताना बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट, फंगस का रिलेशन अगर हायर प्लांट की रूट से होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो माइकोराइजा कहलाएगा, ठीक है, ना तो लाइकेन कहलाएगा ना फर्न कहलाएगा। चलिए आगे तरफ देखते हैं क्या है, दैट इज़ माइकोराइजा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ डाइकरियोन फॉर्म, डाइकरियोन कैसे बनेगा, मियोसिस इज अरेस्टेड, मियोसिस अरेस्टेड होगी बिल्कुल गलत, द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, क्या द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, बिल्कुल सही जवाब है, दो हैप्लॉइड सेल जो होंगे वो आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे, उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएंगे याद रखिएगा, तो बी इज़ करेक्ट। कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम किसने कहा था, ये कि जो वायरस है वो एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूडियम जो कहा था एम डब्ल्यू बीजरनिक ने कहा था याद रखिएगा, सेवन का बी। माइकोबियंट एंड फाइकोबियंट, माइकोबियंट माइकोलॉजी और माइकोबियंट और फाइकोबियंट, माइकोबियंट जो है आपका एल्गी हो गया, फाइकोबियंट जो है फंगस हो गया, तो फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, ये रिलेशनशिप लाइकेन कहलाता, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, वायरस में और वायरॉइड्स में क्या फ़र्क है, तो याद रखिएगा एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड्स, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होता बट वायरस में प्रेजेंट होता, ए इज़ करेक्ट, इसका ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन, विद रिस्पेक्ट टू, पूछा जा रहा विद रिस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल, चूज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट, आपको सही इवेंट बताना, अगर फंगस में सेक्सुअल साइकिल चलती है तो बिल्कुल सही इवेंट क्या होगा, तो याद रखिए सबसे पहले प्लास्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, फिर मियोसिस होगा, सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेन, ठीक है, बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल, टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरस बिलोंग, मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई, तो याद रखिएगा ये किसी को बिलोंग नहीं करता, डी इसको याद रखिएगा, विटेकर ने कोई भी जगह नहीं दी क्लासिफिकेशन में, वायरस की कोई जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, फाइको मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, ऐसा नहीं है, ऑन डिके सड़ी हुई लकड़ी पे, नहीं, मॉइस्ट एंड डैम प्लेस, या फिर एक से ज़्यादा भी, सॉरी ऐसा भी हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा भी ऑप्शन सही हो, इसलिए आप जो है इसको देखना पड़ेगा क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो इसमें याद रखिएगा एक्वेटिक हैबिटेट ये मिल जाएंगे, डिके वुड पे मिल जाएंगे, मॉइस्ट एंड डैम प्लेस मिलेंगे, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी हैं, डी इज़ करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं। तो दिस इज़ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ ऑफ चैप्टर नंबर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मैंने फिर बताया कि नीट के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना मस्ट है याद रखिएगा, वरना आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम ही रहेंगे, तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी हेल्प लेनी हो, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।